नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के अन्य बिंदु। इससे पूर्व भी हमने जो मेरा पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक जो औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। उसमें हमने देखा था समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति, विकास संबंधी सामाजिक तथा राजनीतिक अपेक्षाओं का अभाव, उद्योग एवं मानव और श्रम की उचित गतिशीलता का अभाव। आज हम अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह एमए फाइनल समाजशास्त्र का 8th पेपर है एमडीएस यूनिवर्सिटी में जो चलता है, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में जो चलता है। 8th का फर्स्ट ऑप्शन है औद्योगिक समाजशास्त्र। उसमें हम पढ़ रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो विकासशील समाजों में प्रभावित करते हैं औद्योगिक विकास को। नेक्स्ट हम देखेंगे पारिवारिक परंपराएं और संयुक्त परिवार। भारतीय समाज जैसे विकासशील समाजों में पारिवारिक परंपराएं इस प्रकार की हैं कि जो आत्मवाद और संतोषवाद को प्रोत्साहन देती हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक प्रेरणाओं से अपेक्षित रूप से प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा जो आध्यात्मवाद को, जो हमारी संस्कृति है वो आध्यात्मवाद की संस्कृति है, जो बताती है हमें कि जो मिल गया है उसमें हमें संतोष करना है। तो जो पारिवारिक परंपराएं हैं और जो संयुक्त परिवार है वो प्रभावित करता है औद्योगिक विकास को, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए ये जो प्रेरणाएं हैं वो अपेक्षित रूप से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट है अर्ध विकसित मानव पूंजी। आर्थिक विकास में मानव पूंजी का निर्धारक महत्व है। विकसित मानवीय पूंजी अर्थात स्वस्थ, शिक्षित, कुशल एवं नैतिकता संपन्न देशवासी आर्थिक विकास में बहुत सहायक होते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश अर्धविकसित देशों में यह मानव पूंजी भी अर्धविकसित ही होती है, क्योंकि देश में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का तथा कुशल श्रमिकों का अभाव होता है, और अभाव होने के फलस्वरूप जो आर्थिक विकास में मानव पूंजी का निर्धारक है वो उतना अपना योगदान नहीं दे पाता। इनका स्वास्थ्य का स्तर भी प्रायः नीचा होता है, लोगों में विवेकपूर्ण विचारधारा का भी अभाव होता है। इसके अतिरिक्त धन के अभाव के कारण लोगों के विकास के लिए अधिक पूंजी लगाना संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्धविकसित मानव पूंजी के कारण जो विकास होना चाहिए औद्योगिक वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों की सामाजिक पृष्ठभूमि की समस्या। क्योंकि हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास में श्रमिकों की सामाजिक पृष्ठभूमियों की समस्याओं का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि औद्योगिकरण को संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। आधुनिक औद्योगिकरण के अंतर्गत श्रमिकों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के महत्व पर विशेष बल दिया जाता है। विकासशील समाजों में कार्य के संगठन को प्रायः
प्राचीन और कृषि व्यवस्थाओं के संदर्भ में देखा जाता है। श्रम को प्रेरित करने वाले मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय आधार उतने मजबूत नहीं होते जितने औद्योगिक समाजों में होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रमिकों की जो सामाजिक पृष्ठभूमियों की समस्याएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं अन्य सामाजिक कारण। विकासशील समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं में असंबद्धता भी औद्योगिक विकास की क्रिया को प्रभावित करती है। सामाजिक संस्थाओं में असंतुलन भी औद्योगिक विकास को प्रभावित करता है। यह देखा जाता है कि समाज विभिन्न भागों में विभाजित होता है और ये वर्ग अपनी अपनी रूढ़िगत परंपराओं पर आचरण करते हैं तथा नवीन प्रयत्नों को सरलता से एवं प्रसन्नपूर्वक अपनाने को तैयार नहीं होते। समाज में जो गहनों की लोकप्रियता है, स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी गहने पहनना पसंद करते हैं। रीति रिवाज बहुत महंगे होते हैं जिन्हें निभाने के लिए आय का बड़ा अंश व्यय करना पड़ता है। इसके कारण बचत कम हो पाती है और पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा गौण स्थान प्राप्त होता है। उनकी जाति पर तरह तरह के अंकुश होते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े होने के कारण स्त्रियां समाज के उत्थान में इतना योगदान नहीं दे पाती हैं। सामाजिक स्तर पर भी विशेष महत्व होता है। मजदूरी आदि का निर्धारण में संविदा की अपेक्षा परंपराओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। इन सब बातों को मिलाकर यह प्रभाव होता है कि अर्धविकसित देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे शारीरिक श्रम और कृषि प्रधानता। विकासशील देशों में समाज प्रायः ग्रामीण और परंपरागत समाज हैं जिनमें शारीरिक परिश्रम द्वारा जीवन उपार्जन पर बल दिया जाता है जिससे लोगों की आवश्यकताएं सीमित हैं और कृषि को ही उद्योगों का मुख्य आधार माना जाता है। ये परिस्थितियाँ औद्योगिक विकास के प्रतिकूल वातावरण को प्रोत्साहन देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विकसित तकनीकी का अभाव। विकासशील समाजों में उत्पादन की प्राचीन परंपरागत विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत कम रहता है। तकनीकी और साम्राज्य दोनों ही प्रकार की शिक्षा का अभाव होने के कारण अर्धविकसित देशों में विकसित देशों की अपेक्षा उत्पादन में बहुत अधिक पिछड़ापन रहता है। परिवहन और संचार साधनों का अभाव भी अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलता रहता है। विकसित तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक होती है और इसलिए आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील अर्धविकसित देशों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए
विकसित देशों का मुंह देखना पड़ता है। अगर यथार्थ में हम देखें तो प्राविधिकीय प्रगति और आर्थिक विकास एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं। अर्धविकसित देशों में जहां तकनीकी प्रगति के कारण बहुत ही तीव्रता से आर्थिक विकास नहीं हो पाता, वहां अपर्याप्त आर्थिक साधनों के कारण तकनीकी प्रगति के लिए अधिक प्रयास करना भी संभव नहीं हो पाता। इस तरह से हम देखते हैं कि विकासशील देशों में अनेक ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं जो वहां औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। विकासशील देशों की जनता में प्रगति की आकांक्षा विकसित एवं औद्योगिक समाजों की तुलना में कम पाई जाती है। अर्धसामंती समस्याओं को प्रतिबंधपूर्ण स्वभाव, शक्तिहीन शासन, सामाजिक विधान का अभाव, प्रोत्साहनों का अभाव, अपर्याप्त शिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य इस बात के साक्षी हैं कि विकासशील समाज औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्यों पिछड़े हुए हैं या वहाँ अल्प विकास की स्थिति क्यों है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के अन्य बिंदु इस तरह से हैं। आशा है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको कठिनाई है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जो सरकार ने कोविड को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें। थैंक्स। Have a nice day.